यूपी पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ चलाया अभियान, 74 हुए गिरफ्तार। त्रिपुरा में भूकंप के हल्के झटके रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को मिला बड़ा झटका, रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच एनआईए करेगी। दिल्ली के निवासपुर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, 4 लोग झुलसे। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 60 दिनों में 415 करोड़ मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कर्मचारियों के पीएफ की ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी, वित्त मंत्री ने 8.15% को दी मंजूरी। आईटीसी और रिलायंस में मुनाफा वसूली के चलते गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 अंक नीचे पर हुआ क्लोज। दिल्ली के पाला मेट्रो स्टेशन पर शुरू हुई पार्किंग की सुविधा, दूर से आने वाले यात्रियों को मिली बड़ी राहत। पुनो नेशनल पार्क में चीते के भोजन का बड़ा संकट, रेडियो कॉलर की भी चिंता का विषय, कॉलर आईडी के इन्फेक्शन की वजह से चीतों की हो रही थी मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हुई अंधाधुंध गोलीबारी, बीजेपी नेता सचिन दुबे की पत्नी की हुई मौत।